भारतीय क्रिकेट टीम के जाने माने क्रिकेटर। वहीं आपको बता दें, जितना राहुल अपना जलवा क्रिकेट फील्डिंग में दिखाते हैं, उतना ही जलवा वो रियल लाइफ में भी दिखा चुके हैं। आपको बता दें, राहुल एक ऐसे क्रिकेटर है जो अक्सर अपनी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर जाने जाते हैं। वहीं हम सभी जानते हैं कि क्रिकेटर और बॉलीवुड हीरोइंस का नाता सालों पुराना है। कई बॉलीवुड हीरोइंस ने क्रिकेटर से शादी करी, वहीं इनके अफेयर्स की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। चाहे शर्मिला टैगोर को देख लो या फिर अनुष्का शर्मा को, बॉलीवुड और क्रिकेटर का मिलाप कई बरसों पुराना है। वहीं इसी बीच केएल राहुल एक ऐसे क्रिकेटर है जो अपने रिलेशनशिप्स के लिए अक्सर जाने जाते हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल का सिर्फ एक से नहीं बल्कि 5 बॉलीवुड हीरोइन से रह चुका है रिलेशन, और एक को तो अभी भी कर रहे हैं डेट। देखिए हमारी ये वीडियो और जानिए आखिर कितनी लविश लाइफ है राहुल की और वहीं कितनी नेटवर्थ है। केएल राहुल भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने खेल के साथ अपने लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की 3 फेमस एक्ट्रेस के साथ उनके अफेयर की खबरें भी आ चुकी हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ के बारे में। वनडे क्रिकेट में केएल राहुल की तूती बोल रही है। मैदान कोई भी हो, विरोधी कितना भी हो, वो क्रीज पर उतरते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं। हाल ही में भारत इंडिया के बीच दूसरे वनडे में उन्होंने 108 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। वहीं 18 अप्रैल 1992 को मैंगलोर में कोइन लोकेशन और राजेश्वरी के मुल्की घर में केएल राहुल का जन्म हुआ। उनके पिता लोकेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक में प्रोफेसर और पूर्व निदेशक हैं और उनकी मां राजेश्वरी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वहीं राहुल का क्रिकेटिंग करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। राहुल ने 2014 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद पहला वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए उन्हें करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। वहीं 11 जनवरी 2019 को BCCI ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 24 जनवरी 2019 को उन्हें उस वक्त राहत मिली जब BCCI ने उनका बैन खत्म कर दिया। जी हाँ, यंग एंड टैलेंटेड केएल राहुल अपने खेल के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वहीं राहुल का नाम कई सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ चुका है, जिसमें पहले मुन्ना माइकल एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी शामिल है। कहा जाता है कि केएल राहुल उन्हें डेट कर चुके हैं। दोनों को कई बार एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा गया। हालांकि बाद में राहुल ने इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती बताया था और वहीं अब दोनों साथ में दिखाई नहीं देते, मानो ऐसा लगता है ब्रेकअप हो गया हो। वहीं बात करें, इसके साथ ही राहुल का नाम जन्नत की एक्ट्रेस सोनल चौहान के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि सोनल ने केएल राहुल के साथ अपने अफेयर की खबर को गलत बताया था और कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केएल राहुल एक अच्छे इंसान है और मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। वहीं बात करें पंजाबी स्टार सोनम बाजवा। जी हाँ, सोनम बाजवा और केएल राहुल के बीच अफेयर की खबरें थी। वहीं इंस्टाग्राम पर दोनों के फ्लर्टी कमेंट देख उनके रिश्ते के बारे में खबर वायरल हुई थी। हालांकि बाद में दोनों ने अपने रिश्ते से इनकार कर दिया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खबरों की माने तो केएल राहुल सोनम बाजवा को भी डेट कर रहे थे, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं बात करें राहुल का बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन के साथ भी नाम जुड़ चुका है। अतिया और आकांक्षा दोनों राहुल के साथ थाईलैंड में नया साल मनाने गई थी। बता दें आकांक्षा बॉलीवुड फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू और वेडिंग पुलाव में नजर आ चुकी हैं। वहीं आकांक्षा और अतिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन तीनों को साथ में थाईलैंड में देखा गया था। हालांकि बाद में पता चला कि केएल राहुल आकांक्षा को नहीं बल्कि सुनील शेट्टी की बेटी
और बॉलीवुड एक्ट्रेस अतिया श्रेती को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक पब्लिकली अपने रिश्ते की बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। वहीं अतिया के पिता सुनील श्रेती और माँ भी राहुल को काफी पसंद करते हैं। सुनील ने कहा था कि मेरी बेटी जिसे पसंद करती है वो उसी के साथ उसका रिश्ता तय करेंगे। वहीं दोनों के रिश्ते का खुलासा उस वक्त हुआ जब अतिया ने अपने इंस्टाग्राम पर केआर राहुल के साथ अपनी फोटो शेयर की। इस तस्वीर में अतिया राहुल के कंधे में सिर रखकर हंसती हुई नजर आ रही थी। वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन भी लिखा, हैप्पी बर्थडे माय पर्सन। इस फोटो के बाद दोनों के रिश्ते पर फैंस ने मोहर लगा दी थी और पता चल गया था कि राहुल और अतिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, अतिया की इस फोटो पर भी केएल राहुल ने लव इमोजी सेंड किया था, जिसे देख फैंस को ये यकीन होने लगा था कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। वहीं बता दें, राहुल और अतिया दोनों ही अपनी नजदीकियों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। कई बार उन्हें एक साथ स्पॉट भी किया जा चुका है और ये बात मीडिया ने कई बार कंफर्म कर दी है कि राहुल और अतिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल भारतीय टीम के साथ पुणे में गए हुए थे। वहीं उन्होंने अब तक अपने क्रिकेट करियर में 36 टेस्ट, 37 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं, जिसमें टेस्ट में उनके नाम 2006 में बेस्ट 199, वनडे में बेस्ट 112 और T20 में बेस्ट 110 नबाद है। वहीं आपको बता दें, अतिया श्रेती ने 2015 में सूरज पंचोली के साथ फिल्म हीरो से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में देखा गया था। इसके बाद अतिया श्रेती को कहीं भी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि अतिया के पास कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अतिया श्रेती अपने इंस्टाग्राम पर छाई रहती है और अपनी ब्यूटी का राज लोगों को बताती रहती है और आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है। जी हाँ, जहाँ कहा जा रहा था कि राहुल अतिया श्रेती की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा को डेट कर रहे हैं, वहीं ये खबर जल्दी सामने आ गई कि वो आकांक्षा को नहीं बल्कि अतिया श्रेती को डेट कर रही है। आपको बता दें, राहुल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि अपनी एडवर्टाइजमेंट से भी काफी पैसा कमाते हैं। जी हाँ, राहुल को अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा गया है। वहीं आपको बता दें, कई बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर तक है राहुल और केएल राहुल की लविश लाइफ बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आए दिन उनकी और अतिया की बातें मीडिया में होती रहती है। वहीं अक्सर इन दोनों को मुंबई में साथ में स्पॉट भी किया जाता है। और वहीं आपको बता दें, केएल राहुल माना जा रहा है कि अतिया है जिनके साथ बहुत ज्यादा सीरियस है और हो सकता है कि दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी भी कर ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से जाके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।